नाउ आई नो इट्स जस्ट लिटिल अपसाइड डाउन बट यू हैव टू एडजस्ट. आप अपने नहीं तो मोबाइल में ओपन रखिए उसको, ओके? या फिर आपने क्वेश्चन नोट डाउन भी किया हुआ होगा, ठीक है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना. सो द क्वेश्चन बिगिंस विद द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सक्सेस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है? सेल्स, परचेज, शेयर कैपिटल, परचेज ऑफ लैंड एंड वी हैव लीज होल्ड प्रीमाइसेस. देर आर मेनी आइटम्स यू कैन सी. देर इज वन मोर आइटम विच इज न्यू हियर, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1st April, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. How would I know that this is opening stock with the help of the date? Because it is starting up here. Yes. You can see here. Here it is given the Success Limited as on 31st March 2014. So understood here. Agar 31st March 2014 hai, to 1st April 2013 would be my opening. Okay. Yes, Nidhi, I'll solve your problem. Wait a little. Okay. Now, work in progress is given for opening stock. Okay. Subcontractor's cost, it is also new for you, but I will explain you subsequently when I will come to this point. Equipments. Now, what is equipments? It is, of course, a fixed asset. Something new? Yes. Stock of material on 1st April 2014. It is material. That means raw material. And one more point which is given. Profit and loss account balance on 1st April. You remember when we calculate net profit for the year at the last? I had told you previously we need to add if suppose you are given last year's profit, it will be added back to net profit for the current year, and if it is a loss, it will be deducted from that particular point. So now profit and loss is given for the last year. 1st April 2013 means it belongs to the last year. That is why opening balance of profit is given to you to add it in the profit of current year. And rest all, every point is same. Okay, now come to the adjustments. Income tax to be provided 35% of profits. 35% of profits means whatever net profit before tax will come, 35% will be tax out of that particular profit. The directors propose dividend at the rate 20%. Okay, ये भी हम जब सबको एंड तक पहुंचेंगे तब कर सकते हैं. मतलब ये दोनों पॉइंट्स एंड में ही करनी है. स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31st March 2014, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल आई वुड से रादर, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज गिवन. व्हाई इट वुड बी कॉल्ड एज क्लोजिंग? बिकॉज 31st March 2014 डेट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. ओके, एंड वॉट वॉज द क्लोजिंग स्टॉक? 350 lakhs and 70 lakhs respectively. Whenever you see respectively word, it means first is of first and the second is of second and the third is of third. That way. Means 350 belongs to stock of material and 70 lakhs belongs to work in progress. Okay. You are required to prepare P&L account of the company as per revised schedule 6. अभी देखो उन्होंने ना सिर्फ P&L बोला, हम तो I think हम दोनों बना सकते हैं अगर शेयर कैपिटल और ये सब दिया हुआ है तो. Yes, है ना, सभी दिया हुआ है तो हम तो सारा ही बना सकते हैं बैलेंस शीट के साथ. ठीक है, स्टार्ट करें. आपने फॉर्मेट मैम सिर्फ एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसा सिर्फ नहीं आ सकता, सिर्फ नहीं आएगा ऐसा ना,
आ सकते तो फिर हमें, हाँ तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, टैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बैलेंस शीट में फिर इनडायरेक्टली? नहीं, सिर्फ अगर आपको पीएनएल बोला तो सिर्फ पीएनएल बनाना है जैसे हम बनाते हैं पीएनएल, और अगर बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ तो सिर्फ बैलेंस शीट, और अगर बोला है दोनों बनाइए तो दोनों बनाने हैं। ओके मतलब एडजस्टमेंट का भी वन पोस्टिंग होगा? हाँ एडजस्टमेंट का एक ही आपको इफेक्ट दिखाना है, ठीक है? नाउ निधि बेटा, नहीं आपको अभी, हम देखो इस समय ना उन्होंने पूछा सिर्फ पीएनएल है, बट हमें ना दोनों देखो प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी बैलेंस शीट की भी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी सम्स की उतना ज्यादा आपका हाथ बैठेगा, सो आई बिलीव आपको दोनों करने चाहिए। ओके सो आप क्या करेंगे, मैं आपको 2 to 3 minutes दे रही हूँ, फटाफट फॉर्मेट बनाओ, शॉर्ट फॉर्म्स लिखो सारी हेडिंग्स के, सिर्फ इनिशियल लेटर्स लिखो, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो सिर्फ LTB लिखो, टू मिनट्स हाँ। So I'll start with. See now, it is my first item, sales. Now tell me what are the sales? 15,800. First of all, is it rupees in rupees lakhs? ऐसा कुछ लिखा है in rupees lakhs? लिखा तो नहीं है, हाँ लिखा है, ठीक है? तो आपका ये ना hide हो गया है, मतलब पिक्चर प्रॉपर नहीं आया है, बट इसके राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन लैक्स, तो आप भी लिख दो, बैलेंस शीट के ऊपर से अलग से लिखो रुपीज इन लैक्स, और पीएनएल के ऊपर से लिखो रुपीज इन लैक्स, अगर कोई वर्किंग नोट बनाएंगे तो उसके ऊपर भी लिखेंगे रुपीज इन लैक्स, ठीक है? स्टार्ट करें सेल्स 15,800, ये कहाँ जाता है आपका PNL की बैलेंस शीट? आई नीड क्विक आंसर्स, चलो जल्दी बताओ, PNL में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? यस कौन सा मैम? सेल्स। यस इतना टाइम PNL में, PNL में, वेरी गुड। PNL में कहाँ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दो ही इनकम है आपके पास, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक होता है अदर इनकम्स, तो सेल्स तो मेरे ऑपरेशंस की है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम। यस यस रेवेन्यू फ्रॉम, हाँ पर पहले चेक करो कोई सेल्स रिटर्न्स तो नहीं था जब हमने सम को रीड किया था, कोई भी सेल्स रिटर्न्स नहीं है, तो सीधा हम लिख सकते हैं 15,800 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन अ कॉलम। देन नेक्स्ट परचेज ऑफ मटेरियल, तो अब मटेरियल वाले पॉइंट आ गई, ये तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ये तो, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, परचेज ऑफ मटेरियल, तो ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, हाँ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, नीचे थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, तो अब हम क्या करेंगे, और देखो एक और आइटम है जिसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट, देखो ये जो है ना ये मटेरियल से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है ना उसके साथ, मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए, ठीक है? तो ना सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट भी मटेरियल में ऐड हो जाएगा, ये मटेरियल से रिलेटेड होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि मोर देन वन आइटम है, ठीक है? आ जाओ वर्किंग नोट नंबर वन, उधर लिख दो ऊपर से हेडिंग में लिख दो रुपीज इन लैक्स, एक बार लिखा वर्किंग नोट नंबर वन, तो अब आप पहले मुझे देख के बताइए कि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, पहले लिखो, लिखो नीचे लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, अब देखो इक्विपमेंट के नीचे दिख रहा है, इक्विपमेंट के नीचे स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1st April 2013 दिख रहा है 295, लिखो राइट हैंड साइड में कॉर्नर में 295, अब उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल, ये देखो यहाँ पे परचेज ऑफ मटेरियल इज
6090 6090 रुपीज, ये ऐड होता है, परचेज ऐड होता है ओपनिंग में, ठीक है। परचेज को हम ऐड करते हैं ओपनिंग में, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव दैट मच स्टॉक इन द इन ओपनिंग, ऑलरेडी यू हैव दैट स्टॉक एंड फर्दर यू आर परचेजिंग एक्स्ट्रा मटेरियल, सो इट विल बी एडेड, ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट विल बी एडेड। सो परचेज 6090, राइट हैंड साइड में कॉर्नर में लिख दो। सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट, ये भी खर्चा है तो ये भी ऐड करेंगे, क्योंकि ओपनिंग एंड परचेज, परचेज मेरा खर्चा ही तो है, तो हम लोग ऐड ही कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट को भी ऐड ही करेंगे, जो मेरा खर्चा हो रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट कितना है? सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट इट इज 4470 रुपीज। अब लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्योंकि फोर ही आइटम्स थे। आप पूरा सम में एक बार फिर भी देख लीजिए, और कुछ आपको आइटम लग रहा है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आना चाहिए? हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कर रहे हैं, जो पहला पहला एक्सपेंस का पहला पहला पॉइंट है, ठीक है। लिखा, अब है ना, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताइए मुझे, 350 लाख। नीचे थर्ड एडजस्टमेंट में देखिए, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2014 वॉज रुपीज 350 लाख, ठीक है। अब ये 350 को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, राइट हैंड साइड कॉर्नर में, जहाँ पे ऑलरेडी 3 अमाउंट है उसके नीचे फोर्थ अमाउंट 350 ब्रैकेट। सो वॉट इज माई टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड? यस, माई टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड Yes, help me out. तुम्हारी स्पीड को क्या हो गया आज? ओके, 10,505 पॉजिटिव ही होगा ऑफकोर्स, ये नेगेटिव तो आया नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ लिख देंगे टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड, टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जाइए रॉ मटेरियल वाले पॉइंट में, एक्सपेंसेस वाले पॉइंट में, पीएनएल में आप पे लिखा होगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के नीचे लिखा होगा फर्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके इनर कॉलम में लिख दीजिए 10,505। अगर प्लस में आंसर आया तो प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में आया तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ी, इतना हो गया सबका? यस। ओके, अब जाते हैं आगे, यहाँ पे सीक्वेंस में चलेंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना आपका 500। अब ये 500 का जो अमाउंट है शेयर कैपिटल है, तो जाइए बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड्स दिख रहा है आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे हेडिंग है पहला पहला शेयर होल्डर फंड्स, उस शेयर होल्डर फंड्स के नीचे शेयर कैपिटल मिला, वहां पे तो लिखना आपको 500। कुछ है कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कुछ भी नहीं है पूरे सम में शेयर कैपिटल से रिलेटेड, तो 500 हम इनर कॉलम में डाल सकते हैं, 500 इनर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, ये है मेरा फिक्स्ड एसेट, लेकिन इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है डेप्रिसिएशन वगैरह लैंड पे कुछ नहीं है, तो सीधा डाल सकते हैं। लेकिन एक ही लैंड ही है जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल नहीं, इक्विपमेंट भी तो है, और कौन सा इक्विपमेंट है, प्रिमाइसिस है, लीज और प्रिमाइसिस, ठीक है। मतलब तीन तो मुझे दिख रहे हैं, आपको और कोई दिख रहा है? नहीं है, ठीक है। चलो फिक्स्ड एसेट का हम बनाएंगे वर्किंग नोट, बनाइए। और हाँ, जो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के वर्किंग नोट नंबर भी लिखना पड़ेगा आपको उधर मेन फॉर्मेट में, लिखा मैम। हाँ, नंबर 1 ऐसे करके लिखना है, सिर्फ 1, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 में, नाम लिखो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अंडरलाइन करो हेडिंग को, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स TFA,
अंडरलाइन इट. सबसे पहले लिखेंगे लैंड 1365 रुपीस, 1365 इन द राइट हैंड साइड कॉर्नर. नेक्स्ट लीज होल प्रीमाइसेस उसके नीचे, एंड द अमाउंट इज 210, 210. एंड इक्विपमेंट विच इज 2320 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ मैम. ओके 2320 इक्विपमेंट. It is also a tangible fixed asset and no adjustment is given. So what is the total of all? What is the total of all three items of tangible fixed asset? 3,895. Very good. 3,895. इसके left hand side में लिखेंगे total fixed. टोटल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. यस टोटल लिखा TTFA. ओके अब आ जाओ बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में पहले तो एसेट्स में आ जाओ, मतलब लोअर साइड में आपको दिख रहा होगा एसेट्स में दो है, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स. तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है, बस वहीं पे ही आपको पहला आइटम था टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. उसके इनर कॉलम में डालेंगे 3,895. It has to be shown as note number 2, ठीक है? वो जो working note का column बनाया ना उसमें. चलो आगे बढ़ें. अब यहाँ sales हो गया, purchase हो गया, share capital हो गया, purchase of land हो गया. चारों items हो गए. अब मुझे वो page की जरूरत नहीं पड़ेगी. Leasehold premises हो गया. Creditors. अब creditors के साथ साथ bills payable भी होता है. अगर सामने है तो साथ में लिखेंगे. पर नहीं है. नहीं है. तो सिर्फ creditors हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में कि पीएनएल में? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कि एसेट्स में? लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज. वेरी गुड. ट्रेड पेबल में. वेरी गुड. जाइए ट्रेड पेबल्स में. लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स. कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही आइटम है. बस सीधा ट्रेड पेबल्स के इनर कॉलम में लिखेंगे 2,315 रुपीस. 2,315. यस. आफ्टर क्रेडिटर्स वी हैव डेटर्स. डेटर्स 3,675 एंड वी डोंट हैव बिल्स रिसीवेबल. सो फार आई हैव नोटिस्ड वी डोंट हैव दैट. सो डेटर्स विल बी यश. शिवानी हैज रिटन. बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा, एसेट्स में करंट एसेट्स, एंड इन करंट एसेट्स देयर इज अ सब हेडिंग व्हिच इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स. वेरी गुड, गुड जॉब. तो ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएगा आपका डेटर्स 3,675 इनर कॉलम. ओके. डायरेक्टर्स सैलरीज ना. डायरेक्टर सैलरी कौन सा आइटम है? ये बैलेंस शीट है कि पीएनएल है? क्यों? क्योंकि डायरेक्टर सैलरी मेरा एक्सपेंस है. अब क्योंकि पीएनएल में जा रहे हैं तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या है इनकम है कि एक्सपेंस है. ये एक्सपेंस है, ठीक है. अब कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्टर्स की सैलरी. डायरेक्टर्स मेरी कंपनी के कौन होते हैं? मेरे तो एम्प्लॉय है ना. Everybody is employed. Yes. कोई employee benefit expense. कोई director की post पे है तो कोई managing director की post पे है तो कोई employee है. कोई sweeper है, ठीक है. तो बोलने का मतलब क्या है कि कोई laborer है पर है तो मेरे लिए सारे employees ना, ठीक है. तो director salary जाएगा employee benefit expenses. उसके साथ साथ ही देखो और कौन से items हैं जो employee benefits में जाएंगे. वेजेस भी है. वेजेस और क्या है?
और क्या है? सैलरी भी तो है. वेरी गुड, सैलरी भी है. और क्या है? बस मेरे ख्याल से तीन आइटम्स है. बस हाँ इतना ही. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर थ्री बनाओ. वर्किंग नोट नंबर थ्री लिखो. सबसे पहले हेडिंग लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उसको अंडरलाइन करेंगे. सबसे पहला लिखेंगे डायरेक्टर सैलरी एंड द अमाउंट इज 195. मैम आपका आवाज स्लो आ रहा है बहुत. अब आ रहे हैं? हाँ मैम. डायरेक्टर सैलरी 195 लिखेंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट्स के वर्किंग नोट नंबर थ्री में. ठीक है, अब लिखो डायरेक्टर सैलरी 195. उसके नीचे लिखेंगे वेजेस 555, मतलब 555, और सैलरीज लिखेंगे 90. सैलरीज 90. तीनों को ऐड करेंगे और अमाउंट मुझे चैट बॉक्स में बताइए. 840. तो अब जाइए 840 को लिखिए पीएनएल के एक्सपेंसेस के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के इनर कॉलम. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं पीएनएल में, वहां लिखो 840 इनर कॉलम. यस गुड. 840 हो गया. डायरेक्टर सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया. अब आ जाओ वर्क इन प्रोग्रेस पर ओपनिंग स्टॉक. 1 अप्रैल 2013 मींस ओपनिंग स्टॉक. तो अब इसका क्लोजिंग भी तो दिया हुआ है नीचे थर्ड एडजस्टमेंट में, तो इसका बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर. बोलो 5 लाख. ये कहाँ जाएगा वैसे? ये कहाँ जाएगा वर्किंग वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ जाते हैं? आपके पास बैलेंस शीट? नहीं बैलेंस शीट नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ओपनिंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं. ठीक है. अच्छा हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास एक आइटम लिखा हुआ है एक्सपेंसेस में, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस. देखो लिखा हुआ है. हाँ मैम. उधर मतलब उधर लिखना है पर वर्किंग नोट बनाकर लिखना है. तो बनाइए वर्किंग नोट नंबर 5. लिखो चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ WIP. चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ WIP. पूरा नाम क्या है? चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड WIP. बट हम सिर्फ WIP का कर रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ WIP लिख लें. हेडिंग लिखा चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ WIP. नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज 1050 रुपीज. 1050. नेक्स्ट लाइन, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड लुक एट द थर्ड एडजस्टमेंट. सी एडजस्टमेंट. स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 70 लाख रुपीज. लिखा हुआ है. सो 1050 के नीचे 70 को ब्रैकेट में लिखेंगे. 70 को ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस करके मुझे आंसर बताएंगे. 980. वेरी गुड, 980. तो जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में, जाइए 980 रुपीज को कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस का हेडिंग है ना नीचे, उसमें आपने लिखा चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. देखो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 1050, क्लोजिंग स्टॉक है 70. नीचे एडजस्टमेंट नंबर 3 में पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक है WIP का 70. ठीक है, तो वेजेस से आपका सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस से आपका ओपनिंग 1050, क्लोजिंग है 70. वर्किंग नोट में दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 980. ये 980 आपको उठाकर कहाँ डालना है? पीएनएल. कहाँ? एक्सपेंसेस में. अब एक्सपेंसेस में भी कहाँ जाएगा? चेंज इन इन्वेंटरी में. चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसा एक आइटम लिखा हुआ है आपने हेडिंग, चेंज इन इन्वेंटरीज वाला एक हेडिंग लिखा है, उधर इनर कॉलम में जाएगा 980.
और हमारा आंसर प्लस में आया तो हम भी प्लस में लिखेंगे, और अगर माइनस में आया होगा, समझो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का आंसर माइनस में आया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल। लेकिन अब तो प्लस में आया था, ओपनिंग ज्यादा था क्लोजिंग कम था, उल्टा भी हो सकता है इसका, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके हाँ यस वेरी गुड दिव्या, समझा ना अभी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हमने ऐड कर दिया था, ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन ओपनिंग दिया हुआ है, ऑन फर्स्ट अप्रैल मतलब ओपनिंग, ये हो गया। पीएनएल का बैलेंस लास्ट ईयर का, फर्स्ट अप्रैल 2013 मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो ये कॉमन सेंस है, ओपनिंग ऑन लास्ट ईयर का क्लोजिंग हो गया ना, मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना ये, जो हमको करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना होता है, पर वो तो तभी हो सकता है, यस म्यूट, ये तभी हो सकता है जब मेरे पास करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिक्योर्ड लोन, हाँ ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, याद रखो लोन क्रेडिट साइड है मतलब लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी मतलब बोरोड फंड्स, ठीक है, यस। तो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में सिक्योर्ड लोन कहाँ जाते हैं बताएगा कोई, बैलेंस शीट में सिक्योर्ड लोन कहाँ जाते हैं, देखो लाइबिलिटीज तो मेरे पास तीन ही है, एक है शेयर होल्डर फंड्स, एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक है करंट लाइबिलिटीज। अब ये शेयर होल्डर तो फंड्स का, शेयर होल्डर फंड से तो लेना देना ही नहीं है इसका, या तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा या तो करंट, म्यूट म्यूट, या तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा या तो करंट लाइबिलिटी में जाएगा। सिक्योर्ड लोन समझने वाली बात है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वेरी गुड। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के सब हेडिंग में, कितनी सारी सब हेडिंग थे, तीन चार, उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग था ना ये वहां जाएगा, पर उस डालने से पहले आप ये चेक कीजिए सिक्योर लोन के साथ, जैसे डिबेंचर्स, जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ऐसे कुछ और भी हैं क्या जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे, नहीं है, नहीं है, सिर्फ एक ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और मुझे दिख रहा है 560 का अमाउंट है, तो सीधा इनर कॉलम में लिख सकते हैं हम, तो लिखो, जाओ इनर कॉलम में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कहाँ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज फर्स्ट आइटम में, तो आप लिखेंगे 560 इनर कॉलम, 560 इनर कॉलम। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये क्या चीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में, वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ ये बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट का आइटम है कि पीएनएल, बैलेंस शीट का, अब ये बैलेंस शीट है, देखो जब भी नहीं समझ आया ना तो खुद से ऐसे क्वेश्चन किया करो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज जाएगा और ये लायबिलिटीज, अब जब ये लायबिलिटीज में जाएगा तो मुझे देखना है कि नॉन करंट लायबिलिटी है कि करंट लायबिलिटी है, तो मुझे पता चल गया ये करंट लायबिलिटी है। अब करंट में भी आपके पास है ना हेडिंग से, वो हेडिंग्स में कहीं पे बैंक ओडी ना मैच नहीं हो रहे, फिक्स नहीं हो रहे, जो फिक्स नहीं होता ना उसको अदर में डाल देने, अदर करंट लाइबिलिटी ऐसा एक हेडिंग है आपके पास, उसके अंदर डाल दीजिए आप एक ही आइटम, एक मिनट रुको, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी, थर्ड आइटम, नहीं ये इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी तो डेबिट साइड ये मतलब जरूरी एक्सपेंस होगी, तो हम सही जा रहे हैं, बैंक ओडी एक ही आइटम, दिस इज द ओनली आइटम बिलोंग्स टू अदर करंट लायबिलिटीज, तो 525 आप क्या करेंगे इनर कॉलम में लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट किसका आइटम है, अदर करंट लायबिलिटीज, करंट मैं करंट वर्ड यूज कर रही हूँ तो समझने वाली बात है, करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंदर आते, ठीक है, शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट में, यहाँ तक सबका हो गया, ओके फाइन, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी, अब मैं इंटरेस्ट भर रही हूँ दो जगहों पे, कहाँ पे, एक लोन पे क्योंकि सिक्योर लोन मैंने खरीदा था ना बैंक से, लोन लिया था, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एज गुड एज शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ठीक है, अब मैंने ये इन दोनों पे ना मैं इंटरेस्ट भर रही हूँ कितना 110, अब ये जो 110 का इंटरेस्ट है ये डेबिट साइड दिया हुआ,
अब डेबिट साइड तो सिर्फ दो ही चीजें होती है, या तो असेट या तो एक्सपेंसेस। अब ये असेट तो है नहीं, इंटरेस्ट पे करना, मेरी असेट तो है नहीं, इंटरेस्ट पे करना इज माई एक्सपेंस। ठीक है, अब ये एक्सपेंस है तो मतलब जरूर बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं, कोई एक्सपेंस थोड़ी जाते हैं बैलेंस शीट में। देखो ऐसे खुद को समझना है, जब मैं नहीं होंगी तो आपको खुद को ऐसे सॉल्व करना है खुद से। डेबिट में तो एक्सपेंस ही होगा ना ये इंटरेस्ट के नाम पे, अगर क्रेडिट में इंटरेस्ट होता तो इनकम होती। देखो एक्सपेंस हो या इनकम हो, जाएगा तो पीएनएल में ना, है ना, बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगा, इतना तो पक्का है, तो ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि एक्सपेंस है तो नीचे एक्सपेंसेस वाली हेडिंग्स देखो और मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी कहाँ फिक्स रहते हैं, कहाँ फिक्स होते हैं। मैंने आपको समझाया था इंटरेस्ट जैसी चीजें नो वेट आई विल टेल यू नाउ, जिन्होंने भी अदर एक्सपेंसेस लिखा चैट बॉक्स में रॉन्ग, सबका आंसर रॉन्ग है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, इंटरेस्ट जैसी चीजें, बैंक चार्जेस जैसी चीजें, ठीक है, डिस्काउंट जैसी चीजें, ये सारी चीजें जाती हैं फाइनेंस, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा मैम, फाइनेंस म्यूट बच्चा म्यूट करो, फाइनेंस कॉस्ट में जाइए, ब्रैकेट में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहे ना तो आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी इनर कॉलम 110। कहाँ? पीएनएल में, पीएनएल के एक्सपेंसेस में आपके पास एक हेडिंग है फाइनेंस चार्जेस, उधर लिखेंगे इनर कॉलम में 110 ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी। नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन 180। डेप्रिसिएशन का अलग से एक हेडिंग बना हुआ है, अगर आपको याद है तो फाइनेंस चार्जेस के बिल्कुल नीचे डेप्रिसिएशन है, बस वहीं जाएगा ये 180 इनर कॉलम, डेप्रिसिएशन 180 इनर कॉलम।